नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक विस्परर में। आज हम बात करने वाले हैं WWDC कॉन्फ्रेंस के बारे में। ये इवेंट, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये हर साल एप्पल की तरफ से अरेंज किया जाता है और इस साल भी 6 जून को ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें कुछ प्रोडक्ट, कुछ नए हार्डवेयर और कुछ फीचर्स लॉन्च किए गए हैं। तो यही सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, और उस बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए फटाफट देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें एप्पल ने मार्केट में नई लॉन्च की हैं। तो आइए बात करते हैं एप्पल iOS 16 के बारे में। एप्पल iOS 16 में हमें पहला जो फीचर देखने मिल जाता है वो है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आप टाइम चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप फोटोज़ लगा सकते हो, आपके विजिट्स जो है, आपके जो ऐप्स के विजिट्स है वो आप फोर फ्रंट पे रख सकते हो, और आप बहुत सी कस्टमाइजेशन है रिलेटेड टू वेदर एंड ऑल, तो वो आप सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो। तो एक पर्सनलाइज टच फील हो जाता है। और तो और दोस्तों, इसमें जो नोटिफिकेशन है, जो टॉप डाउन आता था, अब वो बॉटम अप आने लग गया है इसमें, तो ये एक और नया फीचर देखने मिल जाता है। बात करते हैं फोकस। फोकस अब आपको इन ऐप्स और आपके होम स्क्रीन पे भी देखने मिल जाता है। जैसे आप फोकस ऑन करते हो, आपके जो इंपॉर्टेंट ऐप्स है वो फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। तो सफारी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपके जो टैब्स है, जो अननेसेसरी टैब्स है, वो आपके बैक पे चले जाते हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट टैब्स है वो फोरफ्रंट पे आ जाते हैं। मैसेजेस की बात की जाए तो जो मोस्ट अवेटेड फीचर था, आप एडिट कर सकते हो आपके मैसेजेस। अब अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत मैसेज भेज दिया है, या फिर आप उसको रिकॉल भी कर सकते हो विद इन 10 सेकेंड्स, तो ये एक अच्छा फीचर ऐड हो गया है। और तो और, आप कोई थ्रेड है जो आप बाद में पढ़ना चाहते हो तो आप उसको मार्क एज एन अनरीड भी कर सकते हो। शेयर प्ले के बारे में बात की जाए तो शेयर प्ले में अब ये मैसेजिंग में भी ऐड हो गया है। तो मैसेजिंग में आप अपने दोस्तों के साथ आपके जो वीडियोस है या फिर म्यूजिक्स है वो शेयर करके, एट अ टाइम प्ले करके, आप मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हो। और बात की जाए डिक्टेशन की, डिक्टेशन अब ईमेल्स, मैसेजेस और तो और उसको आप टेक्स्ट में भी यूज़ कर पाओगे। सिरी भी एनेबल कर दिया है डिक्टेशंस के लिए, तो एक अच्छा फीचर है। जिनको तकलीफ होती है कभी कभी टाइप करने में, या फिर जिनको बोलना इजी पड़ता है, तो उनका जो स्पीच है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है ईजीली। लाइव टेक्स्ट की बात की जाए तो जैसे आपको एंड्रॉयड में देखने मिल जाता है गूगल लेंस, तो जैसे गूगल लेंस में आप कोई भी फोटोज़ हो या फिर डॉक्यूमेंट हो उसका टेक्स्ट निकाल सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होता है, बट एक नॉच ऊपर आप वीडियो को पॉज करके वो जो फ्रेम है उसमें जो भी टेक्स्ट होगा आप उसे भी एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। एक अच्छा फीचर है। विजुअल लुकअप में कोई सब्जेक्ट है या फिर कोई ट्री है, कोई ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है, आप उसको बैकग्राउंड से डिटैच करके आप उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आपको जहाँ चाहिए। इसमें मशीन लर्निंग का यूज़ किया गया है और बहुत एक्यूरेटली ये चीज़ें हैंडल कर लेता है। मैप्स की बात की जाए, जो मेरा सेकेंड फेवरेट है, जब भी आप देखोगे इस मैप्स को तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वहाँ पे हो, आपको आजू बाजू की सारी चीज़ें एक डिटेल फॉर्मेट में दिखेगी। आपको अगर बताने एक एग्जांपल दिया जाए तो मेटावर्स करके एक कंसेप्ट है जिसमें आपको वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई देता है, वैसे ही कुछ लाने की कोशिश की है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरमेंट और सराउंडिंग के डिटेल्स है वो ऐड करने की कोशिश की गई है। और इसमें आपको एक डार्क मोड भी ऐड किया गया है, जब भी आप नाइट में अगर कोई ट्रैवलिंग करते हो तो जैसे मैप्स ओपन करते हो तो आप डार्क मोड ऑन कर सकते हो, जिसके कारण आप उस पर्टिकुलर लोकेशन को या एनवायरनमेंट को एक डार्क मोड में भी देख पाओगे। अब आप iCloud से डायरेक्टली फोटो शेयर कर पाओगे आपके फ्रेंड्स के साथ, तो एक शेयरिंग फोल्डर बनाना होता है आपको, उसमें आपको आपके जो फोटोज़ हैं, सिलेक्टेड फोटोज़, या आप पूरा एल्बम शेयर कर पाओगे। एक फीचर इसमें और एक ऐड किया गया है, जो कि आप अगर कैमरा में एक ऑप्शन दिया गया है, अगर आप फोटो खींचते हो तो डायरेक्टली वो फोटो उस शेयर फोल्डर में चला जाता है, जिसके कारण आप डायरेक्टली इस फोटो को अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स के साथ डायरेक्टली शेयर कर पाओगे। स्मार्ट होम की बात की जाए तो एलेक्सा सामने आ जाता है, बिकॉज उसका एक वाइड यूज़ देखने मिल जाता है। अब एप्पल भी पीछे नहीं है, एप्पल भी मैटर लेके आए हैं। मैटर अब डीपली इंटीग्रेट होगा आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ,
और आपको एक पर्सनलाइज्ड होम एक्सपीरियंस देने में भी ये काम कर रहा है। तो ये एप्पल की तरफ से लॉन्च किया गया है। कारप्ले का ऑप्शन भी अब एनहांस किया गया है। कारप्ले में जैसे आपको पता ही है, जैसे ही आप मोबाइल कनेक्ट करते हो, आपके जो ऐप्स है वो आपके कार के डैशबोर्ड पे जो डिस्प्ले है वहाँ पे दिख जाता है। तो देखा जाए तो एक दो साल में अब एक ट्रेंड होने लगा है कि कार मैन्युफैक्चरर्स एक बड़ी सी डिस्प्ले आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह पे दे रहे हैं, जिसके कारण आप उसको अब कस्टमाइज़ भी कर पाओगे। जैसे अगर आपने कारप्ले कनेक्ट कर लिया तो एप्पल ने अब कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप कर लिया है और वो आपको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देने के लिए आपके जो आरपीएम मीटर हो गया या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिखने वाला स्पीडोमीटर हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपका फ्यूल गेज हो गया है या आपके म्यूज़िक, आपका मैप्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पर्सनलाइज और कस्टमाइज कर पाओगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो ये एक और एक फीचर अच्छा देखने मिल जाता है, जिसके कारण आप अपनी जो कार है वो अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर पाओगे। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। आइए बात करते हैं एप्पल वॉच ओएस के बारे में। एप्पल वॉच ओएस में जो चीज़ें देखने मिल जाती है वो है कस्टमाइजेशन एट योर होम स्क्रीन। तो आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हो, कुछ नए थीम्स ऐड किए गए हैं वो आप यूज़ कर पाओगे, और तो और आप नोटिफिकेशंस हो गए या फिर आपके जो इन ऐप विजिट्स हो गए तो वो भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। अब मशीन लर्निंग की हेल्प से ये परफेक्टली डिटेक्ट कर लेता है कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो। जैसे कि आप अगर स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग से डायरेक्टली आप स्विच करते हो आपके साइकिलिंग मोड पे, तो ये डिटेक्ट कर लेता है, आपको अभी मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फीचर देखने मिल जाता है। जो नॉन वॉच यूज़र्स हैं तो उनके लिए एक ऐप आईफोन में दिया गया है, जो आईफोन के सेंसर्स यूज़ करके आपको एक अच्छा खासा रिज़ल्ट दे देता है। तो आप अपने आईफोन के यूज़ से आप अपनी हेल्थ को भी ट्रैक कर पाओगे। स्लीप ट्रैकिंग ये एक अनदर फीचर है जो मेरा फेवरेट है। इसमें दोस्तों देखा जाए तो पॉलीसोमनोग्राफी देखने मिल जाती है, जहाँ पे आपकी जो डीप स्लीप है उसे ट्रैक किया जाता है, और आपके जो रेस्टलेसनेस है, इंसोम्निया है, जो स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ये भी डिटेक्ट कर लेता है। अब और एक फीचर जो है इसमें हेल्थ रिलेटेड वो है आर्टेरियल फिब्रिलेशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपका जो हार्ट है वो पंप करते वक्त एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स लेता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, तो ये जो सिग्नल है ये कभी कभी माल फंक्शन करते हैं, तो इसको डिटेक्ट करके ये आपको एक नोटिफिकेशन या इंटीमेशन दे देता है कि यू शुड गेट योर हार्ट चेक्ड। तो ये एक अच्छा फीचर है जिनको हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है या फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह काम ये कर सकता है। आपको दिक्कत होती है मेडिकेशन लेने में टाइम टू टाइम, तो इसमें एक मेडिकेशन के लिए फीचर भी ऐड किया गया है जो आपको हेल्प करेगा टाइम टू टाइम मेडिकेशन लेने के लिए। तो आइए बात करते हैं मैक ओएस वेंचुरा के बारे में। मैक ओएस वेंचुरा लॉन्च किया गया है, तो इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे स्टेज मैनेजर हो गया। आप अगर मल्टीटास्किंग करते हो तो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो आप चाहते हो कि आपके फोर फ्रंट पर आपको सामने दिखे, तो स्टेज मैनेजर में यही होता है कि आपके जो ऐप्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन के दिख जाते हैं, बायफर्गेट किए जाते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में, जिसके कारण आपको उन्हें ढूंढने में या फिर आपको उन्हें लोकेट करने में भी इजी हो जाता है। स्पॉटलाइट देखने मिलता है, जो कि आप अगर कुछ सर्च ऑप्शन में सर्च करते हो तो आपको वो इनसाइड द मैकबुक और ऑन द इंटरनेट, तो दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो कोलैबोरेट करके आपको दे देता है। सर्च इन मेल, अब आप मेल्स में भी सर्च कर पाओगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका बेटर वर्जन आप गूगल और जीमेल में देख चुके हो, तो एप्पल इज़ ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम दैट एंड इम्प्रूविंग इट। सफारी की बात की जाए तो आप सफारी में जो टैब्स हैं, जो आपके ओपन टैब्स हैं, उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाओगे, जिसके कारण आप सफारी में अगर उस पर्टिकुलर टैब पे कुछ अपना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जिसे आपको फटाक से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना है, तो वो भी आप अब कर पाओगे। कंटिन्यूटी की बात की जाए तो अगर आप फेस टाइम पे कॉल कर रहे हो किसी के साथ कॉल पे हो, तो अगर आप अपने मैकबुक के पास में जाते हो तो फटाक से वो डिटेक्ट कर लेता है कि आप फेस टाइम पे किसी के साथ कॉल पे हो, और स्विच का ऑप्शन दे देता है जिसमें आप प्रेस करते ही आपका जो
फेस टाइम है वो आपके आईफोन से सीधा मैकबुक में स्विच हो जाता है, तो ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है आपका आईफोन से मैकबुक में, तो ये कंटिन्यूटी के थ्रू देखने मिल जाता है। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो विद योर मैकबुक, तो एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने मिल जाती है, वो है आप अपना आईफोन का कैमरा भी यूज़ कर पाओगे इन प्लेस ऑफ द मैकबुक कैमरा। तो ये आपके लिए एक अच्छा फीचर हो जाता है, बिकॉज़ जो मैकबुक का कैमरा है वो इतना क्लियर और क्रिस्प इमेज नहीं दे पाता जितना आपका मोबाइल का कैमरा दे पाता है। तो जैसे ही आप मोबाइल अपने मैकबुक के पास में ले जाते हो, वो डिटेक्ट कर लेता है और वो कैमरा में स्विच कर लेता है। अब आईपैड ओएस 16 के बारे में बात करते हैं। इसमें पहली चीज़ ऐड की गई है वो है वेदर, जो कि मोस्ट डिमांडेड फीचर था, तो वो अब एप्पल ने वेदर फीचर ऐड कर दिया है। अब कोलैबोरेशन में आप अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने टीममेट्स के साथ कोलैब कर पाओगे एक सिंगल प्रोजेक्ट पे और उसे लाइव एडिट भी कर पाओगे। एप्पल की तरफ से एक फ्री फॉर्म करके ऐप लॉन्च किया जाने वाला है, जिसमें आप अपने टीम मेंबर्स के साथ एक ही प्रोजेक्ट पे, एक वाइट बोर्ड पे आप कोलैब करके एट द सेम टाइम एडिट कर पाओगे। आप उसमें अपने नोट्स ले पाओगे, आप उसमें ऑडियो फाइल्स ऐड कर पाओगे, वीडियो फाइल्स ऐड कर पाओगे, PDF ऐड कर पाओगे। तो एक अच्छा फीचर है जो एप्पल की तरफ से मोस्ट अवेटेड था। अब रेफरेंस मोड की बात की जाए, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो जैसे आप कुछ कलर्स हैं जो आपको एक्यूरेट किसी और चीज़ में देखने हैं, तो जैसे कि आप अगर आईपैड पे कोई डिज़ाइन करते हो तो वही चीज़ आपको मैकबुक में देखनी है, तो एक रेफरेंस मोड ऐड किया गया है जिसके थ्रू आप वही सेम कलर्स आपके मैकबुक में देख पाओगे। तो इसके कारण आपकी जो एफिशिएंसी वो की लॉस नहीं होती, और दूसरी चीज़ जो रेंडरिंग करते हैं, जो कलर ग्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी स्वाप, तो वर्चुअल मेमोरी स्वाप में आप अगर गेमिंग करते हो और आपको एट द टाइम और ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वर्चुअल स्वाप आपको एक्स्ट्रा मेमोरी इंस्टेंटली ऐड कर देता है, और जिसके कारण आपका जो प्रोसेस है या फिर जो आपकी जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो और स्मूथ दिखाई देता है। ये पिक्सल डेंसिटी भी इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आप अगर मल्टीटास्किंग करते हो, तो जैसे कि आपने दो एप्स ओपन कर दी हैं और साइमल्टेनियसली आप उस पर काम कर रहे हो, तो आप अगर पिक्सल डेंसिटी इंक्रीज कर देते हो, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो स्क्रीन है वो बड़ा दिखने लगता है और आपको जो कंटेंट है वो और ऐड हो जाता है। स्टेज मैनेजर इसमें भी आपको देखने मिल जाता है। स्टेज मैनेजर में आप यहाँ पे 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके आपके जो मल्टीटास्किंग ऐप्स हैं उसको आप एक स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पाओगे। बट इसमें एक चीज़ ये है कि आप अगर M1 चिप वाला आईपैड यूज़ करते हो तो ही आपको ये स्टेज मैनेजर देखने मिलेगा। अब आते हैं हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर के सेक्शन में आप देख पाओगे कि M2 लॉन्च किया गया है, M2 प्रोसेसर जो M1 से 20% मोर पावरफुल है। और तो और दोस्तों, ये 25% मोर एनर्जी एफिशिएंट है, और इसमें 25% मोर ट्रांजिस्टर्स भी है। इसमें आपको 20 बिलियन ट्रांजिस्टर देखने मिल जाते हैं, जबकि आपको M1 में 15 बिलियन ट्रांजिस्टर है, तो मोर पावर आपको देखने मिल जाती है। और इसके जो ग्राफिक कोर्स है वो भी दो ऐड किए गए हैं, पहले आपको 8 देखने मिलते थे, अब 10 ग्राफिक कोर्स हो गए हैं। इसकी जो क्रक्स और इसका जो मेन पॉइंट है वो है इसका बैटरी मैनेजमेंट। तो देखा जाए तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका इंक्रीज़ तो हो रहा है, बट आपका जो बैटरी कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वो उतना ही है या फिर कुछ चीज़ों में कम भी देखने मिल जाता है। इसी प्रोसेसर बेस मैकबुक लॉन्च किया गया, मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो 13 इंच। तो मैकबुक एयर में आपको देखने मिल जाता है 20% लेस वॉल्यूम पिछले मैकबुक एयर से, और इसी कारण उसका वेट भी 2.7 पाउंड है, और ये 4 वेरियंट्स में आता है, सिल्वर, स्पेस ग्रे, गॉर्जियस स्टारलाइट और स्टनिंग मिड लाइट। मैक सेफ आपको देखने मिल जाता है, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं, 3.5 mm जैक मिल जाता है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल जाता है देखने, और जैसे आपको मैंने बताया इसमें 13.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है नॉच के साथ। अब जो जो ये नॉच है इसमें कैमरा आपको देखने मिल जाता है, जो कि अपग्रेडेड कैमरा है 1080p का, 500 nits की इसके ब्राइटनेस और 1 बिलियन कलर्स के साथ आता है। ये ऑडियो भी एनहेंस कर दिया है। एडाप्टर आपको इसमें फास्ट चार्जर मिल जाता है, बट आपको अलग से बाय करना पड़ता है 67 वाट का, जो आपको 50% इन 30 मिनट्स दे देता है। अब प्राइस की बात की जाए इसकी, तो 1199 में ये मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये 1099 में
मिल जाएगा। मैकबुक प्रो की बात की जाए तो इसमें नई कुछ चीज़ विथ रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन देखने नहीं मिली है, सिर्फ इसमें M2 प्रोसेसर ऐड किया गया है। और दोस्तों ये मार्केट में आपको 1299 में मिल जाता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये 1199 रुपीस में मिल जाता है। आइए बात करते हैं एयरपॉड्स के बारे में। एक ही चीज़ मुझे देखने मिली है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है स्पेशल ऑडियो। आपका जो एक्सपीरियंस है 3D साउंड को लेके या फिर मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपका एनहांस होने वाला है, बिकॉज आपको मूवी का कंटेंट है वो आप 3D एनवायरनमेंट में आप सुन पाओगे उसको। तो आपको ये वीडियो किसी भी कारण पसंद आई हो, आपके किसी भी काम में आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चूज वाइसली एंड कीप व्हिस्परिंग। दिस इज राहुल सारे साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।